रामायण सर्किट एक्सप्रेस ट्रेन में भगवा कपड़ों में खाना परोसते दिखे वेटर तो यूजर्स बोले ये साधु संतों का अपमान है। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। IRCT की ओर से एक नई यात्रा की योजना बनाई जा रही है। दरअसल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए IRCT की ओर से रामायण यात्रा के लिए रामायण सर्किट ट्रेन चलाई जा रही है। एक ट्रेन 7 नवम्बर को शुरू की गयी थी, वही दूसरी ट्रेन 12 दिसम्बर से शुरू होगी। इसकी बुकिंग अभी जारी है। आपको बता दें, इस योजना के तहत श्रद्धालुओं को भगवान राम से जुड़े 15 स्थलों के दर्शन कराए जाने हैं। इस दौरान ये विशेष ट्रेन करीब 7500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वहीं इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर कई यूजर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल ट्विटर पर शेयर किए गए वीडियो को लेकर दावा किया गया है कि अयोध्या रामेश्वरम रामायण सर्किट एक्सप्रेस के रेस्टोरेंट का है, जिसमें कुछ यात्री खाना खाते नजर आ रहे हैं और वहीं वेटर भगवा कपड़ों में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर कुछ ट्विटर यूजर्स का मानना है कि ऐसी वेशभूषा में लोगों के जूठन उठाना, खाना परोसना आदि साधु संतों का अपमान है। साथ ही यूजर्स ने IRCT सहित रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इसमें बदलाव करने की मांग की है। बता दें कि रामायण सर्किट एक्सप्रेस की यात्रा दिल्ली से शुरू हुई थी। इसके तहत ट्रेन राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन कराने के बाद हनुमान मंदिर, भरत मंदिर, जानकी जन्म स्थान, राम जानकी मंदिर, काशी के प्रसिद्ध मंदिर, सीता समाहित स्थल प्रयाग, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, पंचवटी, त्र्यंबकेश्वर, हनुमान जन्म स्थल, रामेश्वर का शिव मंदिर होते हुए और अंत में धनुषकोडी तक पहुंचेगी। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। तब तक के लिए